एक पोल रन किया था जिसमें पूछा था कि आप ट्रेडिंग को किस तरह से देखते हो। बहुत सारे लोगों ने वोट किया कि मैं ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो ट्रेडिंग को करियर कैसे बना सकते हैं, बेसिकली आज की वीडियो में शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ट्रेडिंग को करियर नहीं बना सकते, वीडियो छोड़ के जाना है जा सकते हो, पर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तब आप ट्रेडिंग को करियर बना सकते हो। स्टूडेंट तब ट्रेडिंग को करियर बना सकता है जब उसके पास कोई साइड इनकम सोर्स हो कि साइड इनकम से वो पैसा कमा सके, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही पैसा बनता है। ये मैं आपको बिल्कुल रियल चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं बताना चाहता कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें करो करोड़ों रुपए कमा लोगे। चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, गलत नॉलेज दे रहे हैं लोगों का। इसके कारण जो नए नए लोग आ रहे हैं उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आपको एक नंबर बताना चाहूँगा कि 90% लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं, 10% पैसा बनाते हैं। समझिए, आपको अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ट्रेडिंग को करियर शुरू में नहीं बना सकते जब तक आपके पास कोई साइड इनकम सोर्स नहीं हो या आपके फादर या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें, तब तक आप ट्रेडिंग को करियर नहीं बना। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब आप ट्रेडिंग को करियर बना सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, वो आपको पैसे देंगे कि हाँ बेटा लो इतना पैसा, तुम ट्रेडिंग करो, सीखो, जो करना है करो। मैं भी ये पैसा 5 लाख रुपए हो सकता है, मैं भी 1 लाख रुपए हो सकता है, ये उनके ऊपर है वो आपको कितना देंगे। पर वो जब पैसा देंगे तभी आप ट्रेडिंग को करियर बना सकते हो। मान लीजिए उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, या उसके पास कोई साइड इनकम सोर्स है जिससे वो पैसा जनरेट कर रहा है, मैं भी 20,000 रुपये महीने जनरेट कर रहा है, अब वो ट्रेडिंग को अपना करियर बना सकता है। तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं कि हाँ आप इतने पैसे ले लो मुझसे, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लो। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपके पेरेंट्स आपको 2 लाख रुपये देते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, किसी के पेरेंट्स देते नहीं है। 10-20 हज़ार रुपये से लोग आते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनसे करियर बनाना चाहते हैं। यार कभी नहीं होगा कि 20-30 हज़ार रुपये से आओगे और ट्रेडिंग को करियर बना लोगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल। जो लोग बोलते हैं कि 20 हज़ार रुपये को हम 10 गुना करके 3 लाख कर लेंगे, फिर 3 लाख को 10 गुना करके 30 लाख कर लेंगे, यार आप खुद ही जानते हो कि अगर आप ट्रेड करे हो ना, पता होगा कि कैसे वो 10 गुना 20 गुना हो सकता है। अगर आप कर सकते हो तब आप जाओ ना यार, ट्रेडिंग को करियर बना लो। पर 99.9% लोग नहीं कर सकते, तो उनके लिए वीडियो है। अगर आप 0.1% में आए हो तो आप जाओ जाओ कर लो। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको 2 लाख रुपए देते हैं, आप 20,000 रुपये महीने कहीं से साइड इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हो, तब आप ट्रेडिंग को करियर बना सकते हो। आप 2 लाख रुपए से मंथली आपको सिर्फ 10% का रिटर्न लाना है, जिससे आप 20,000 रुपये पर मंथ निकाल सकते हो ट्रेडिंग से, क्योंकि 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपये, सिर्फ 10% ही ट्रेडिंग से निकालना है। लोग ये गलत समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग से यार 10 गुना 20 गुना पैसा कर लेना है, शुरू में नहीं करना है। बिगिनर्स को ये कभी नहीं सोचना है कि पैसा को 10 गुना 20 गुना कर लूँ मैं, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर बिगिनर्स। जो लोग एडवांस ट्रेडर हैं, जो लोग एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जो काफ़ी दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वही ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और मैं जानता हूँ जितने लोग ट्रेडिंग को करियर बनाने वाले हैं, बनाना चाहते हैं, वो बिगिनर्स ही हैं। तो आप ये मत सोचकर आइएगा नहीं तो पूरा पैसा लॉस करने वाले हो आप अपना, ये जो पेरेंट्स देंगे उसके बाद वो लॉस कर दोगे। मैंने भी ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने पैसा दिया, मैंने लॉस कर दिया। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, आपको 10% का रिटर्न बना के चीज़ें सीखनी है पहले अच्छे से। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ ट्रेडिंग को शुरू से कैसे करना है, तो 2 वीडियोस पे आ चुके हैं, जाकर देखिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने आए तो आई होप आपको ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे मार्केट मूव करता है, चार्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो आपको 10% का रिटर्न जनरेट करना है फॉर 1 ईयर, आपको 1 साल तक ऐसे ही ट्रेडिंग करना है, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करना है सिर्फ 10% का, आपका गोल होना चाहिए 10% का। जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने लोगों को 20,000 रुपये पर मंथ का, तब आपका पैसा बढ़ेगा। आपके पास 2 लाख रुपए है, अगले महीने आपके पास 2,20,000 रुपये होगा, फिर अगले महीने 2,40,000 होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 20-20 हज़ार कमाओगे, और ज़्यादा भी कमा सकते हो और लॉस भी आप करोगे, बट आप 20,000 रुपये एक आइडियल रिटर्न कमा सकते हो अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज रखते हो, सारी चीज़ें जानते हो, तो तब आप ये 20-20 हज़ार रुपये करके कमा सकते हो 1 ईयर के बाद। मान लीजिए आप 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे थे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 20,000 रुपये को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,40,000 रुपये होते हैं, और 2 लाख तो आपके पास पहले ही हैं, तो आपको 4.4 लाख रुपीज़ हो जाएंगे आपके।
4 साढ़े 4 लाख रुपए आपके पास हो जाएंगे। अब ये बहुत सही कैपिटल है जिससे आप ट्रेडिंग में अच्छा करियर बना सकते हो। अब इस पैसे से आप मंथली मंथली 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये कैसे कमा सकते हो आप 1 लाख रुपए? आप 1 लाख रुपए ऐसे कमा सकते हो क्योंकि आपने 1 साल तक ट्रेडिंग करी है, कंसिस्टेंट 20-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट बनाया है। अब लोगों को ये सवाल आएगा कि 20-20 हज़ार रुपये कैसे कंसिस्टेंटली 2 लाख रुपये प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना होगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेटजी सीखनी होगी, उसे बैक टेस्ट करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई होप आपने ये सारी चीज़ें करी हैं। अगर नहीं करी हैं तो ये सारी चीज़ें कर कर ही आना, नहीं तो 2 लाख डाल के करने लगो। अगर ऐसे करोगे तो वो भी पैसा डूब जाएगा, तो ये मत करिएगा। तो आप यहाँ से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हो आसानी से। फिर धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, जब अच्छे लेवल पे आ जाओगे तो 3 साल आप कोई भी ट्रेडर की जर्नी उठा के देख लीजिए, 3-4 साल तक उन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत करी है, हमने आपको पॉलिश दिया, तब जाकर वो इस लेवल पर हैं। तो आप भी 3-4 साल के बाद 10 लाख रुपये पर मंथ, 20 लाख रुपए पर मंथ तक जा सकते हो, सिर्फ 2 लाख के कैपिटल से ही कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस शुरू में आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। 99% लोग की यही प्रॉब्लम है कि तुरंत पैसा चाहिए, भैया 2 लाख का 4 लाख करना है, करो ना यार, कर पाओ, कौन कर पा रहा है? 0.1% लोग शायद कर पा रहे हैं। ये मत करिएगा, पहले ये सारी चीज़ें करोगे 1-2 ईयर। आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आप सोचोगे कि किसी चीज़ को प्रोसेस से हटा दें, प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे हम डायरेक्ट चले जाएंगे, नहीं होने वाला। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है तो आपको वहाँ पर 4 साल 6 साल तक मेहनत करना होता है, सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करती होती है। पर ट्रेडिंग में लोग आते हैं, यार इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, बस कल से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, पैसे कमा लोगे। ये माइंडसेट का गेम है यार, टोटली माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छे से इसमें सब माइंडसेट हो जाता है ट्रेडिंग में, तब आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हो जितना डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं कमाता। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तब आपके पास एक बड़ा अच्छा खासा कैपिटल होगा, मे बी ये 5 लाख रुपए हो सकता है, 10 लाख रुपए हो सकता है। तब आप कैसे ट्रेडिंग करना है आपको, पहले आपको प्रोसेस सीखना है, आपको किसी का कोर्स लेकर सीख सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किया हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वीडियो आएंगी, पर आप कोर्स लेकर सीख सकते हो अच्छे से। आप ऐसे लोगों का कोर्स ही लेना जो अपने अपना सारा पीएनएल दिखाता है, ट्रेडिंग शेयर करता है, यूट्यूब पे अपना चेहरा भी दिखाता है, ऐसे लोग कई कोर्स लेना, सीखना। जब सीख जाना तब पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, वीडियो बनाया है उस पर डिटेल, पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद ही मार्केट में पैसा डालना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आपको इसका सिर्फ 25% रुपीज़ डालना है। 25% डालना मतलब 2.5 लाख रुपये आपको डालना है ट्रेडिंग में, और इससे आपको 10% का ही रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करना है। आपको कंसिस्टेंटली 1 ईयर तक करना है। 1 ईयर का ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप ट्रेडिंग में करियर नहीं बना सकते। अगर आपको ट्रेडिंग के प्रोसेस को नहीं फॉलो कर सकते, अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते, अगर आप अपने डिसिप्लिन और प्रोसेस को फॉलो करके अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे से काम करोगे, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पोटेंशियल मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। चाहे जो भी हो, स्टूडेंट हो और वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, कमा सकता है। तो यही माइंडसेट आपको रखना है कि आपको 10% का कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करना है। सीखने के बाद 1 ईयर के बाद आप फिर आपको अपना पैसा, जो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, आप 10 लाख रुपीज़ डाल सकते हो। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाओ, तब आप यहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपीज़ पर मंथ का इनकम जनरेट कर सकते हो आसानी से ट्रेडिंग से। इतनी पावर है ट्रेडिंग में। पर शुरुआत में आपको ये बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखना है कि मैं यहाँ पर 10 गुना पैसा कर लूँ, 20 गुना कर लूँ, वो नहीं होता यार। लोगों का यार सोचते हैं अपना लॉस ही रिकवर कर लें, वो वाली कंडीशन में आप लोग ना हो। इस वजह से मैंने सही सही चीज़ें बताई। मैं बताने को तो ये भी बता सकता था कि आप 1 लाख को 10 गुना कैसे कर सकते हो, उसका भी रास्ता है, बट वो रास्ता कितने लोग सक्सेस कर पाते हैं, सिर्फ 0.1% लोग कर पाते हैं। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट मेरे थ्रू खोल सकते हो, नीचे एंजल वन का लिंक दे दिया हूँ। अगर आप मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आपको 100 रुपीज़ के फ्री शेयर दे दूंगा मैं आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट दूंगा, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हो। तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो एंजल वन पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ, लोगों का नुकसान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।